भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है और इसमें मधुमक्खी पालन एक प्रमुख भूमिका अदा करता है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भारत के सर्वप्रथम किसान उत्पादक संगठन सनलाइट इंडिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2013 में हुई, जिसमें नेशनल बी बोर्ड, कृषि सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और शहद मिशन के अंतर्गत पूरे उत्तराखंड राज्य से लगभग 500 किसान एवं मधुमक्खी पालक जुड़े हैं। कंपनी ने गत वर्षों में जिला चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और हरिद्वार के बेरोजगार युवकों, किसानों एवं महिलाओं को उत्तराखंड में और उत्तराखंड राज्य के बाहर अन्य प्रदेशों में ले जाकर वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण दिया है तथा मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू करवाया है और उत्तराखंड सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मधुमक्खी पालन द्वारा बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवा रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। इसके फलस्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन को रोकने में ये योजना सहायक सिद्ध हो रही है। हमारी कंपनी ने कोरोना के दौरान लॉकडाउन में भारत के किसानों के लिए पहली बी कीपिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई। सनलाइट इंडिया एग्रो ये फार्मर्स बी कीपिंग का जो पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये उन्होंने उनका जो ग्रुप है उन्होंने स्थापित किया और ये ऐसा पहला प्रोग्राम है, पहली सोसाइटी है कि ये वेबिनार जो हो रहा है वो अवेयरनेस के लिए हो रहा है, ऐसी मैं समझ करता हूँ। हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के अंतर्गत 10,000 किसानों और मधुमक्खी पालकों को स्वरोजगार आधारित उत्पादों का उत्पादन कराकर किसानों को एक निश्चित आय की सुरक्षा देना है। हम सनलाइट इंडिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जिला स्तर पर किसानों के लिए उत्पाद संग्रह केंद्र बनाएंगे तथा उत्तराखंड से किसानों के उत्पादों की पहुंच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाएंगे। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम ग्राम मुडेठ, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहद और अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं, जो उत्तराखंड राज्य के किसानों और मधुमक्खी पालकों के विकास के लिए प्रयासरत रहेगा। हमारी टीम हाईली प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड है और पहले से ही खेती से जुड़ी हुई है। हम स्वीट रिवॉल्यूशन, शहद के लिए, हनी के लिए, उसी प्रकार से बी वैक्स, दुनिया में बी वैक्स की मांग है, भारत बी वैक्स एक्सपोर्ट कर सकता है, हमने उसके लिए एक माहौल बना और किसान के खेत में ही, छोटे किसान होगा तो एक कोने में वो एक नई कमाई कर सकता है, हमने इसको जोड़ना होगा। और मधुमक्खी पालन के लिए कोई सैकड़ों एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है, वो आराम से अपने यहाँ कर सकता है।